आज भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा प्रदेश के प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता में आए हमारे साथ यहाँ पर बैठे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय माननीय सांसद आदरणीय विभू प्रसाद जी, अनुसूचित मोर्चे के जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा में माननीय सांसद लोकप्रिय आदरणीय रवि नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट आदरणीय गोलक महापात्रा जी और नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर और आंध्रा के प्रभारी सम्मानित नेता सुशांत मलिक जी, उड़ीसा के ही बहुत ही लोकप्रिय माननीय विधायक आदरणीय श्री छवि मलिक जी और इस सभा का संबोधन कर रहे स्पोक्समैन आदरणीय दिलीप मलिक जी तथा यहाँ पर आए सभी मीडिया के बंधु, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव के टाइम पर किस तरीके से नैरेटिव फैलाया गया कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे देश के सर्वोच्च माननीय प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो आरक्षण खत्म कर देंगे। पूरे देश में उन्होंने भ्रम फैलाया और अभी हाल में जब वो अमेरिका गए तो आप सबने सुना होगा किस तरीके से उन्होंने अमेरिका में कहा कि जब हम सरकार में आएंगे, पावर में आएंगे तो आरक्षण को खत्म कर देंगे। कांग्रेस की नीति रही है हमेशा कि हम ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण को खत्म करें और इनको दबे मजदूर किसान की तरह इनका उपयोग करें। मित्रों, राहुल गांधी जिस परिवार से आते हैं उस परिवार ने, कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक हमारे देश पर राज किया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की इच्छा शक्ति नहीं जताई। आपको याद होगा जब इस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, नेहरू सरकार में सन 1956 में पिछड़े वर्गों के आरक्षण देने की जो काका कालेकर की रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया। काका कालेकर जी ने कहा था कि हमारे देश में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको आरक्षण की बहुत ही आवश्यकता है, लेकिन नेहरू की नीतियाँ थीं, उन्होंने इसको खारिज कर दिया। नेहरू जी ने 1961 में जब वो प्रधानमंत्री थे तो पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके आरक्षण से अक्षमता और द्वयम दर्जे का मानक पैदा करने का पत्र लिखा था कि हम आरक्षण दे रहे हैं, ये लोग ठीक नहीं हैं, इनका आरक्षण खत्म कर दिया जाए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने आरक्षण के लिए संविधान जो बनाया था उसको लागू करने का काम हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने किया। नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को भी समाप्त करने का षड्यंत्र रचा था 1952 में लोकसभा चुनाव में और 1954 में लोकसभा के उपचुनाव में उन्हें हराने का काम किया, क्योंकि अंबेडकर जी एससी एसटी और ओबीसी को संविधान के माध्यम से आगे लाने का काम कर रहे थे तो कांग्रेस के पसंद नहीं था कि एससी ओबीसी और एसटी के लोग सामान्य जीवन दिए और समाज में अच्छी अपनी पहचान बनाएं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा जो धारा 370
और 35A को समाप्त करके जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति वर्ग को 70 वर्षों बाद सामाजिक न्याय और सम्मान दिलाने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। धारा 370 हटने के बाद पहली बार अब जो चुनाव हो रहा है उसमें आपको बड़ी जानकारी एक हर्ष होगा कि हमारे SC समाज को 7 और SC समाज को 9 सीटें पहली बार वहाँ पर MLA बनने जा रहे हैं। अभी तक वहाँ SC ST का कोई MLA नहीं था, ये कांग्रेस की ही नीति थी। धारा 370 हटने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो पाक अधिकृत कश्मीर है वहाँ पर भी 24 सीटें तैयार की गई हैं और उसमें 2 सीट कश्मीरी पंडितों के लिए आरक्षित कर दी गई हैं कि इनको हम पहली बार विधानसभा में पहुंचाने का काम करेंगे। मित्रों, इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा करके संविधान को कुचला था। 66 से इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया था। उसके बाद 1966 से 1970 तक संविधान में 25 बार संशोधन करके अब 42वें संशोधन में 41 अनुच्छेदों में संशोधन और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन हुआ। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछले वर्गों के हितों को ध्यान में रखे हुए किया गया। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर EWS के तहत 10% आरक्षण देने का काम किया। 2019 में वित्त आयोग और संविधान की 6ठी अनुसूची से प्राविधान में संशोधन करके उस काम को किया। 2019 में लोकसभा और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST के आरक्षण के लिए 10 साल का विस्तार किया। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने संशोधन जो किया उसमें SC ST को अगले 10 वर्षों तक राज्य सरकारों में और लोकसभा में आरक्षण देने को लागू रखने का काम किया। 2021 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी OBC सूची में परिवर्तन करने का अधिकार दिया। जब देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के राजीव गांधी बने थे तो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 3 मार्च 1985 को SC आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आरक्षण के माध्यम से हम बुद्धुओं को बढ़ावा देना नहीं चाहते। हमको गाली दी, हमको बुद्धू कहा, द्वयम दर्जे का काम कांग्रेस ने देने का काम किया। राजीव गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का भी विरोध किया। 1990 में लोकसभा में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया और मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की, जो बाबा साहब के मूल संविधान के खिलाफ था। बाबा साहब ने किसी भी धर्म को आरक्षण देने की बात नहीं कही थी, उन्होंने केवल SC ST पिछले वर्ग को आरक्षण देने की बात कही थी। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से SC ST और OBC को आगे बढ़ाने का काम किया गया है और कांग्रेस ने हमेशा उसका विरोध किया। जामिया मिलिया 2011 और MU 1981 जैसी सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों को अल्पसंख्यक संस्थानों के रूप में वर्गीत किया गया, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ों को आरक्षण देने से इनकार किया। डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये नहीं कहा था कि मुस्लिम को अलग से आरक्षण दिया जाए। 93 संशोधन, संवैधानिक संशोधन 2005 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को आरक्षण प्रदान करने से छूट दी गई। इस एक कदम से सैकड़ों संस्थानों से पिछड़े समुदायों के अधिकार छीन लिए गए। ये कांग्रेस की करतूत थी कि मुसलमानों को अलग से आरक्षण दे दिया। मोदी जी ने SC और ST को संवैधानिक उच्च पदों पर बैठाने का काम किया।
जैसे हमारे देश के राष्ट्रपति बने माननीय रामनाथ कोविंद जी, जो कि 80 समाज से आते हैं, आज हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि एसटी समाज से आती है। देश 1947 में जब आज़ाद हुआ, 57 वर्ष केंद्र में कांग्रेस सरकार रहते हुए संविधान दिवस भी नहीं मनाया गया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 से शासकीय स्तर पर संविधान दिवस मनाना चालू किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा डिस्कशन कराने का निर्णय किया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया। जबकि अभी आप देख रहे होंगे कांग्रेस में राहुल गांधी एक हाथ में संविधान की किताब लेकर के घूम रहे थे, उसका संविधान का भी सम्मान नहीं किया, लेकिन चुनाव में दुरुपयोग करके लोगों को भ्रम फैला करके और चुनाव में उन्होंने कुछ सीटें जीत ली। जबकि 2010 में जब संविधान के 60 वर्ष पूर्ण हुए, तो गुजरात में अपने कार्य के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान गौरव यात्रा आयोजित की थी। इस यात्रा में संविधान के प्रति को हाथी के मस्तक पर रखकर पूरे शहर में निकालकर सम्मानित करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। कांग्रेस ने संविधान को अपनाने के बाद 90 मौकों पर निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करके अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, जिससे संविधान का मजाक उड़ाया गया। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा ने संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण को मान्यता नहीं दी थी। जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला, तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।